NTAUGCNET, the Unimaginate. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसके आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हम UGC नेट के अंदर ICT के अंदर वो टॉपिक कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ऐसे देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर कब आया था, कंप्यूटर की शुरुआत कैसी हुई थी, कितने टाइप होते हैं, इस तरीके से करके, यानी कि ऐसे किया जाए तो ये बहुत बड़ा सिलेबस बन जाएगा और उसे 20 दिन लग जाएंगे इसे कम्प्लीट करने में। तो इसलिए हम इसके अंदर वो टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। और तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स किस किस तरह के होते हैं, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इनपुट डिवाइस आते हैं, फिर CPU आता है और फिर आउटपुट आती है, मुख्य रूप से ये होता है। और अब हम इनमें डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को लगभग कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी होगी। तो जो इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके द्वारा हम अपनी कुछ चीज़ें कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमें कुछ जोड़ घटा गुना भाग करनी है, तो जो कीबोर्ड के ऊपर नंबर हम दबाते हैं तो जो कीबोर्ड है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, उसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, बहुत आसानी से लिखा हुआ है। और देखिए इसके अंदर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकती है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं और ये थोड़ी बेसिक जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल आसान है तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस से हम जैसे किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यानी कि इसके अंदर हम इनपुट डाल रहे हैं कुछ। फिर हो गया जैसे जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, जैसे आजकल मोबाइल में और लैपटॉप में भी टच स्क्रीन आने लग गई है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आप एक बार देख लेना दोस्तों। एक जैसे स्कैनर हो गया, जैसे हम कोई भी फोटो है वो स्कैन करते हैं फॉर्म में लगाने के लिए, तो स्कैनर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। और डिजिब्लेट हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, ATM ETC हो गया, तो ये सभी मुख्य रूप से हमारी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस के उल्टा होती है, यानी कि इनपुट के अंदर हम कुछ डालते हैं और आउटपुट के अंदर हमें मिलता है। आउटपुट यूनिट में वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि वही बात है कि हमने जो कंप्यूटर के अंदर जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए हमने नंबर दबाए, नंबर दबाने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आए, वो रिजल्ट हो सकता है हमारे स्क्रीन पे या फिर स्पीकर में बोल के वो बताए कि 4+5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो स्क्रीन पे दिखाए या फिर बोल के दिखाए। अगर स्क्रीन पे दिखाएगा तो वो क्या होगा, स्क्रीन हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। अगर स्पीकर में बोल के वो दिखा रहा है तो जो हमारा स्पीकर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। और देखिए जो हमारे कंप्यूटर है उसके अंदर मुख्य रूप से एक तो मॉनिटर जो होता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से मानी जाती है, और दूसरा प्रिंटर, जैसे हम प्रिंट करते हैं PDF वगैरह होगी जो भी हो गया वो हम हार्ड कॉपी में लेने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रिंट की कमांड देते हैं, तो उससे क्या है कि हमें आउटपुट मिल जाता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर एक मॉनिटर होता है यानी कि स्क्रीन जो होती है वो, फिर प्रिंटर होता है, फिर प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है यानी कि क्लास वगैरह के अंदर हमें फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, कोई प्रोजेक्ट पर कुछ चीज़ दिखाई जाती है, और फिर हो गया साउंड कार्ड हो गया और ईयरफोन होगी। तो ये हमारी मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस है। और एक चीज़ और आती है दोस्तों इसके अंदर, कई बार एक दो बार क्वेश्चन ये आया कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट और इनपुट दोनों तरह की डिवाइस है, वो हमें पता करना है। तो देखिए जो हमारा स्कैनर प्लस प्रिंटर जो होता है वो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस उसे हम कह सकते हैं। जैसे
जो एचपी का एक प्रिंटर आता है उससे क्या करते हैं कि हम स्कैन भी कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, तो उससे हम दोनों काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहेंगे, क्योंकि टच करके हम उसमें कुछ इनपुट डाल सकते हैं और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हम देख सकते हैं। यानी कि टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है कि ऐसी इनमें से कौन सी चीज़ है जिनसे हम डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है दोस्तों, हमारा अगला पार्ट आता है सीपीयू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, इसमें कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ी नॉर्मल बातें हैं कि जैसे जो सीपीयू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी के द्वारा जो हमारा कंप्यूटर है वो सब कुछ चलता है। उसी के अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, जो भी हम कमांड देते हैं उस वो ही सब कुछ प्रोसेस करते हैं। और इसे एक रूप से ये कह सकते हैं कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क यानी कि माइंड भी कह सकते हैं। वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना। और सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती है दोस्तों, एक एएलयू होता है, एक मेमोरी होती है और एक सीयू होता है। और इनके अंदर देखिए मुख्य रूप से क्या पूछा गया है आज तक। जैसे एएलयू के बारे में बात करें तो एएलयू में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। और फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मुख्य काम क्या होता है, ये जोड़ घटा गुना भाग करने में, यानी कि लॉजिकल जो चीज़ें हैं तार्किक क्रियाएं करने में ये काम आता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जहाँ पे लॉजिकल काम किया जाए कंप्यूटर के अंदर तो उसमें कौन सी यूनिट काम आएगी, तो उसमें आएगी एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्या है। ये दोस्तों, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए, ज्यादा आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता। आगे दोस्तों, हमारे पास कंट्रोल यूनिट सीयू। और इसके अंदर क्या होता है कि एक तो वही है कि हमें हर चीज़ का पूरा नाम पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। सीयू कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान की कोशिश करता है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वही है कि मैंने बताया कि इनमें मुख्य रूप से इनके जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। फिर भी आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है। और आगे जो हमारा आता है दोस्तों, पार्ट आता है वो है मेमोरी यूनिट, जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रह करके रखता है। अब देखिए, हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सेव होगी। कंप्यूटर उसे समझने के लिए मेमोरी यानी कि याददाश्त के रूप में उसे सेव करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से जो मानव होता है वो भी कुछ चीज़ें सेव करके रखता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर होता है। और कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी मानी जाती है दोस्तों, इसमें कहते हैं कि एक इंटरनल मेमोरी, या फिर उसे क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और जो दूसरी जो मेमोरी होती है दोस्तों, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इन सभी के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है। अब देखिए, ये है हमारे पास, एक तो है वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। ये दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये जो दोनों मेमोरी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें से पहले कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील मेमोरी होती है, वो किस तरह की मेमोरी होती है। अब देखिए, इसे प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब दोस्तों, यहीं पे आप पॉइंट नोट कीजिए, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है उसे हम किस तरीके से कहते हैं, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और यानी कि प्राइमरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी इसे कहा जाता है। यह सीधे सीपीयू के संपर्क में रहते हैं तथा इसके डेटा और निर्देशों का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता, जैसे कि रैम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरी है कि जो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जो मेमोरी सेव होती है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, टेम्प्रेरी मेमोरी इसके अंदर सेव होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखना ज़रूरी है हमें, और इसमें उदाहरण के रूप में हम रैम कह सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों कि जो रैम है हमारा RAM, ये किस तरह की मेमोरी है, ये UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ये जो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, और ये क्वेश्चन आया था हमारा नवंबर 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है। और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखते हैं, इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है, यानी कि जो मेमोरी हमें परमानेंट रूप से सेव करनी है तो उसके लिए हम किस तरह की मेमोरी का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हम यूज़ करते हैं, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और जैसे इसका उदाहरण देखें तो हम हार्ड डिस्क होगी, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, या फिर जो हम जो चिप वगैरह लगाते हैं तो वो होगी, वो एक्सटर्नल जो मेमोरी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसे कहा जाता है। और ये तो होगी हमारे दोस्तों मेमोरी, ये तो दो तरह की मेमोरी हमने पढ़ी। और आगे देखते हैं स्पेस के आधार पे, जो स्पेस किसी का कम होता है ज़्यादा होता है, तो उसके आधार पे हमारी जो मेमोरी वो कितने तरह की हो सकती है उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहली जो मेमोरी आती है दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी आती है। और ये चीज़ भी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार तरह की अब हम मेमोरी करने वाले, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप चाहे हो सके तो दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। हम बात करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। देखिए, रजिस्टर मेमोरी को रजिस्ट्रम भी कह सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ और सबसे छोटी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वो होती है दोस्तों हमारी रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है उसको, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई बार सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो रजिस्टर मेमोरी दे देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे मेमोरी दे देंगे, और उन्हें हमें आगे पीछे लगाना होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी चाहे फ़ोन की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी काम अत्यधिक तेज़ी से करती है। असल में कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी, लेकिन कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब देखिए, इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कैश मेमोरी क्या होती है, जैसे कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हम अपना नाम नंबर जो भी चीज़ें हम भरते हैं, जैसे गेम हम खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलने के बाद में जैसे हमने एक स्टेज पार कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, तो वो सारी की सारी क्या है कि कैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। इसी तरीके से जब हम जो अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि मान के चलिए हमने एक UGC नेट की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ब्राउज़र के अंदर उसकी कैश मेमोरी सेव हो जाएगी, और उससे क्या होगा, अगली बार जब हम वही वेबसाइट खोलें
डालेंगे तो वो बहुत जल्दी खुलेगी, क्योंकि उसने हमारे ब्राउज़र ने उसकी जो मेमोरी है पहले से ही सेव कर ली है, और उसे पता है कि ये व्यक्ति दोबारा अगर वेबसाइट खोलेगा तो इसकी जो वेबसाइट है बहुत जल्दी ओपन होगी। तो कैश मेमोरी का यहाँ पर यूज़ होता है, और कैश मेमोरी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती है चाहे कंप्यूटर में हो चाहे हमारे मोबाइल के अंदर, वो सभी कैश मेमोरी का यूज़ करती है ताकि वो स्मूथली चल सके, तो इसलिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों, ये सेकंड नंबर पे आती है हमारी रजिस्टर मेमोरी के मुकाबले में, ठीक है। और आगे हम देखते दोस्तों, आगे है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के अंदर। अब दोबारा इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डेटा सूचना में प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो हमारी मुख्य मेमोरी होती है, और उसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस करने के काम आती है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मुख्य रूप से दो मेमोरी हम कहते हैं, वो होती है एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। और ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यह जो मेमोरी होती है अस्थाई मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। और देखिए, रैम और रोम जो है वो हमारी दो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। अब रैम की बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हमें पता होना चाहिए, रैंडम एसेस मेमोरी इसे कहा जाता है। अब देखिए, रैम या रैंडम एसेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो उस दौरान छोटी छोटी मेमोरी की आवश्यकता होती है, जैसे कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उससे हमने कुछ चीज़ दबाई है तो वो सबसे पहले रैम के अंदर जाती है और उसके बाद में वो आगे प्रोसेस की जाती है। और जो रैम जो होती है दोस्तों, वो क्या है कि जैसे कि हमने कंप्यूटर बंद किया या बिजली चली गई तो उसके बाद में वो सारी की सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि वो स्टोर नहीं की जाती, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जो रैम जो होती है दोस्तों, वो हमारी अलग अलग साइज़ की हो सकती है। देखिए, ये जो साइज़ है दोस्तों, ये हमारे पहले के साइज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम में जो रैम है वो 1 GB आती है, 2 GB आती है, 4 GB आती है, 6 GB आती है, इस तरीके से रैम का जो साइज़ है वो होता है। और जैसे आजकल आपने इसमें भी देखा होगा, हमारे जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी हम सुनते हैं कि इसके अंदर 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है। तो जिस फ़ोन की जितनी ज़्यादा रैम होगी वो फ़ोन या कंप्यूटर उतना ज़्यादा स्मूथली चलेगा। और आगे जैसे देखते हैं हम, रैम के भी 3 तरह के प्रकार है, डायनामिक रैम और सिंक्रोनाइज रैम और स्टैटिक रैम। अब देखिए, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UGC के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता, इनकी मुख्य मुख्य बातें पूछी जाती हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, इसका हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें वही बात है कि इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह है स्थाई मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। अब देखिए, रोम क्या होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर है या फिर अपना मोबाइल है जब लेके आते तो उसके अंदर कई एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल हुई होती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास क्लॉक जो होगी, घड़ी जो होती है फ़ोन में और कंप्यूटर में, कैलकुलेटर हो गया, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पहले से ही स्टोर होती है, तो वो किसके अंदर होती है, वो हमारी रोम के अंदर होती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो कंप्यूटर के अंदर हमारा कैलकुलेटर बन के आया पहले से ही, इसी तरीके से मोबाइल में बन के आया पहले से इंस्टॉल हो गया है, तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते आसानी से, उसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से होती है। और ये क्या होता है, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता। अब जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर है, तो अगर हम अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को बंद कर दें या चलता चलता लाइट चली जाए या किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो ऐसी बात नहीं कि जो कैलकुलेटर है वो हमारा चला जाएगा, वो हमारा हमेशा बना रहेगा। और रोम जो है नॉन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहलाती है।
दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रैम और रोम दोनों के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए रैम जो होते हैं वो हमारे टेम्प्रेरी मेमोरी होती है और रोम जो होते हैं वो हमारे परमानेंट मेमोरी होते हैं, और इस जो रैम को हम एमबी के अंदर कैलकुलेट करते हैं और जो रोम होते हैं उसको हम जीबी के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है। और ये जो होते हैं रैम जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं और ये होते हैं हमारे नॉन वोलेटाइल होते हैं, और यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन जो रैम है उसको नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर यूज किया जाता है, रोम को यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को उस टाइम यूज की जाती है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है पहले कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो किस तरह की मेमोरी का यूज किया जाता है, रैम का यूज किया जाता है या फिर रोम का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों यूजीसी नेट के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो अगला है दोस्तों राइट डेटा इज फास्टर, रैम के अंदर क्या है कि जो हम जो डेटा ट्रांसफर वगैरह जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होती है लेकिन रोम के अंदर क्या है वो थोड़ी स्लो होती है, तो ये मुख्य रूप से काफी अच्छे पॉइंट है दोस्तों, ये हमें याद रखना बहुत ज्यादा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे क्या है, अब देखिए एक मिनट यहाँ पे जो रोम है रीड ओनली मेमोरी इसके भी यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इनमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, पी रोम का मतलब क्या है, ई पी रोम का मतलब क्या है, ई पी रोम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों, आप पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा जून 2019 के अंदर आया था दोस्तों, तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी है, इनकी फुल फॉर्म हमें याद होना ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, यह स्टोरेज के काम आती है। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जो स्टोरेज हम कंप्यूटर से बाहर से जोड़े, जैसे कि हमने हार्ड डिस्क अलग से लगाई और या फिर हमने पेन ड्राइव लगाई या फिर हमने सीडी डाली या फिर मैग्नेटिक डिस्क डाली जो पहले यूज़ होती थी, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। और उसके अंदर क्या है कि उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव होते हैं, पेन ड्राइव हम 8 GB पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, 32 GB भी लगा सकते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप होता है जो पहले यूज होती थी, आज के टाइम में बहुत कम यूज होती है, और मैग्नेटिक डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, यूएसबी ड्राइव होगी, और इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क भी आएगी। तो ये दोस्तों ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो रैम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ही मेरे को ये जवाब देना कमेंट बॉक्स के अंदर, जो रैम है वो किस तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है, इसका मेरे को आंसर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी या सही से नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।